गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। हमारा जो इन इंग्लिश वी से सिनोनिम्स। अब हमारा पर्यायवाची शब्द वाला जो टॉपिक है, इसमें हम सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि पर्यायवाची शब्द का सही मीनिंग क्या है। पर्यायवाची शब्द बना है पर्याय यानी इसके जैसा, यानी पर्याय शब्द का मीनिंग है कि इसके जैसा, जैसे सेम, इसी के समान ही उसका अर्थ प्रतीत हो रहा हो, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी शब्द चाहे वर्ण उसमें दूसरे हो सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग है, जो उसका अर्थ है, वह उसके जैसा ही, सेम ही उसके जैसा ही आ रहा है, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसका दूसरा नाम समानार्थी शब्द भी है कि व्याकरण में कई जगह समानार्थी शब्द का भी यूज़ किया गया है। समानार्थी शब्द का मीनिंग है कि इसके समान ही अर्थ देना, वह कहलाता है समानार्थी शब्द। अब जैसे इसकी परिभाषा से प्रतीत हो रहा है कि जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, यानी जो शब्द हैं उनका मीनिंग एक ही है, वर्ण जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग ही उस शब्द में वही निकल रहा है, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प, प्रसून, तो सारे क्या है, फूल का ही अर्थ प्रति दे रहे हैं, तो ये इसके समानार्थी शब्द हो गए हैं। इन्हें समान अर्थ, जो इनके समान ही अर्थ देता है, बस उन्हें हम समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो जब भी हम किसी भी टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसका उस शब्द का जो अर्थ हम समझ लें, तो हमें वह चैप्टर या टॉपिक अच्छा आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे मैंने बताया, पर्याय शब्द का मीनिंग है कि इसके जैसा, यानी सेम टू सेम अर्थ मीनिंग दे रहा है, तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कह रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं लूँ आपको इस सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द तो याद करने ही होंगे। अगर आप इन्हें ऐसे समझ के याद करेंगे तो आप आसानी से याद है, कभी नहीं भूलेंगे। अगर हम आप इन्हें रटने के हिसाब से याद करेंगे तो आप इन्हें एक बार, हो सकता है कि एक बार आप समझ के याद करके छोड़ दें, थोड़ी देर बाद भूल जाए। लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को याद करें तो इस तरह से याद करें कि हम उसे कभी भी नहीं भूलें। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं ट्रिक बताती हूँ आपको। अब पानी शब्द का पर्यायवाची है जल, नीर, वारी, पयो, तोए, अंबु, सलिल, ये सारे सारे पानी का ही पर्यायवाची शब्द है। अब आपने देखा कि जल शब्द से वही पानी का, मुझे जल ला के दो, जल से ही प्यास बुझती है, जल ही जीवन है। यहाँ पे सार जो वर्ड है वो पानी का ही मीनिंग दे रहे हैं। तोए, अंबु, पयो, वारी, नीर आदि सबसे हमें जल का ही अर्थ प्रतीत हो रहा है, तो ये इसके पर्यायवाची शब्द। अब आ जाता है बादल। बादल किससे बनता है, जल से। अब देखते हैं, देखो बादल का पर्यायवाची शब्द है जलद, नीरद, वारिद, पयोद, तोयद, अंबुधर, जलधर आदि। तो अब आप इसमें ये देखिए कि हमने जल के जो भी पर्यायवाची शब्द थे उनमें हमने द और धर जो ऐड कर दिया, तो वह बादल का पर्यायवाची शब्द बन गए। कैसे, यहाँ पे द और धर का अर्थ है कि धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, जल को धारण वाला करने वाला कौन है, बादल। तो ये बादल के पर्यायवाची शब्द बन गए। जैसे जलद, जल को धारण करने वाला, नीरद, नीर यानी जल का मीनिंग हो गया, तो नीर को धारण करने वाला, वारिद, वारी को धारण करने वाला, पयो, तोयद, अंबुधर यानी अंबु को, यानी जल को धारण करने वाला, जलधर जल को धारण करने वाला, सेम मीनिंग वही क्या हुआ, बादल, कि जो भी जल को अपने अंदर धारण कर लेता है वो कौन होता है, बादल। तो हमें यह भी यहाँ पे धारण कर द और धर लगाकर हम इसका बादल के पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं। अब आ जाता है कमल। कमल का पर्यायवाची है जलज, नीरज, वारिज, तोयज, अंबुज, पंकज, ये सारे के सारे कमल के
पर्यायवाची शब्द है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने जल के ही पर्यायवाची शब्द में ज ऐड करके सारे कमल के पर्यायवाची बन गए, यानी जलज, नीरज, वारिज, तोयज, अंबुज, पंकज, इनका सेम अर्थ कमल ही है कि जल में, यानी जिसका जन्म जल से हुआ हो, तो किसका जन्म होता है? कमल का। तो ये कमल के पर्यायवाची शब्द बन गए। संस्कृत में जय शब्द से मतलब ये समझ लो आप, जैसे यानी जन्म लिया, से जन्म लिया, आप समझ सकते हैं, जैसे जलज तो जल से जो जन्म लेता है वो कौन है? कमल। तो इसका कमल के सारे ये पर्यायवाची है। अब आ जाते हैं, हम याद करते हैं समुद्र। सबसे पहले शब्द का सबसे बड़ा प्रोनंसिएशन देखते हैं, मोस्टली समुद्र यूज करते हैं, जिसका सही प्रोनंसिएशन है समुद्र। इसमें अनुस्वार कहीं नहीं है, इसमें आप द्र यूज करें, समुद्र सही प्रोनंसिएशन वर्ड है इसका, समुद्र। तो जलधि, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, जलनिधि, पयोनिधि, सागर, रत्नाकर, ये सारे के सारे समुद्र के पर्यायवाची है। यहाँ पे हमने इनमें धी और निधि लगा, जल के पर्यायवाची जो शब्द थे उनमें हमने धी और निधि लगाकर समुद्र के पर्यायवाची शब्द बना दिए। जैसे अब यहाँ पे धी और निधि, इनका मतलब है भंडार, खजाना, जहाँ खूब सारे असीमित चीज़ें हो उनको बोलते हैं खजाना, भंडार। तो पानी का भंडार कहाँ है? समुद्र में। तो ये सारे क्या हो गए? समुद्र के पर्यायवाची। जैसे जलधि यानी जिस जल का भंडार, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, जलनिधि, पयोनिधि, सागर, रत्नाकर, ये सारे के सारे समुद्र के पर्यायवाची। कहने का तात्पर्य है कि हम अगर हमने जल के पर्यायवाची सारे लर्न हो गए हमें, तो हम उसके दय और धर लगा के बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, जय लगाने से कमल के पर्यायवाची बन सकते हैं, और धी और निधि लगाने समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। यानी हम जब हम एक का लर्न कर लेते तो हमें एक साथ चार या पांच के भी लर्न हो जाते हैं। अब आती है कि इनमें पीछे से हमने जो शब्द इनके साथ ऐड किया है, ये गया, अगर जल पानी के पर्यायवाची दय और धर जोड़ दे लगा देते हैं तो ये हो गया धारण करने वाला, जल को धारण करने बादल का पर्यायवाची। अगर हम जैसे जन्म लेने वाला, जैस का मीनिंग है, तो इसके कमल का पर्यायवाची हो गया, और निधि धी लगाने से ये यानी खजाना, भंडार, ऐसे में जो चीज़ें होती हैं उन भंडारों उनका निधि या धी का मीनिंग यही होता है, तो ये सारे समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब आगे भी कुछ पर्यायवाची, पेड़ हम जानते हैं, पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष, तरु, विटप, पादप, कि इन सभी शब्दों से यही पेड़ का ही अर्थ प्रतीत हो रहा है, तो ये इसके पर्यायवाची शब्द है। हवा, समीर, वायु, अनिल, पवन, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? हवा के। रात का पर्यायवाची शब्द रात्रि, निशा, रजनी, रैन आदि किसके पर्यायवाची हैं? रात के। अब पहाड़ के पर्वत, गिरी, भूधर, अचल, जिस भूमि ने जिसको धारण किया है और अचल जो चल नहीं सकता, तो ये सारे किसके हैं? पहाड़ के पर्यायवाची हैं। अब आ देख अध्यापक, अध्यापक के गुरु, शिक्षक, आचार्य, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? अध्यापक के। मित्र का दोस्त, सखा, मित्र, ये सारे इसके पर्यायवाची है। संसार का यानी दुनिया, जग, जगत, ये सारे जग ये संसार के पर्यायवाची हैं। पक्षी, खग, विहग, नभचर, नब में यानी आसमान में, चरण का आसमान में उड़ने वाले, ये सारे क्या हैं? पक्षी के खग, विहग, नभचर, ये सारे के सारे आपके पक्षी के पर्यायवाची हैं। अब हमने इन पर्यायवाची के बारे में पढ़ा, समझा, तो आप जब भी इन्हें लर्न करो तो समझ के और उस वर्ड को
आप अच्छे से रीड करके उसका मीनिंग समझ के याद करेंगे तो वो उसी का सेम ही अर्थ प्रतीत हो रहा है। तो आप जब भी इन्हें याद करें तो अच्छे से याद करके आप दोबारा न भूलें। जितना उसके इन्हें समझ के याद करेंगे तो आप उन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। अब आपके बुक में इस पर्यायवाची शब्द जो चैप्टर है इससे रिगार्डेड जितने भी आपकी बुक में पर्यायवाची आप उन्हें लर्न कीजिए और उनकी जो एक्सरसाइज है वो अपनी बुक में आप फिल कीजिए। अगर आपने पर्यायवाची अच्छे से याद कर लिए हैं तो आपको उनकी एक्सरसाइज फिल करते बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इनकी आज का यही होमवर्क है, इस टॉपिक से रिगार्डेड आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं बुक में आप उन्हें अपनी बुक में फिल कीजिएगा। थैंक यू।